हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत। और सुबह की शुरुआत हो गई है हमारी, और देखिए सूर्य देव सबके घर आ रहे हैं सबको उठाने। जय सूर्य देव। और ये वीडियो है 5-6 दिन पहले का, और पूरा वीडियो में बने रहें आप लोग। पूरा वीडियो देखें तो पता चल जाएगा इतना लेट क्यों आया है। और फिर अभी का भी मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, तो बने रहें वीडियो में। बारिश में देखो किचन को और आंगन को हल्का हुआ है, तो हमें सवेरे से गोबर में लगा है चारों, कोई की गैया आई हुई है तो हमने उठाना है। अब आज करें किचन की लिपाई गोबर से, पूरे में गिलो गिलो गोबर तो रख लेते लेकिन लिपाई करे नहीं पा बारिश की वजह से। और सुबह का मौसम देखो, मौसम तो अच्छा लगा था लेकिन बारिश खराब कर दी थी पूरा मौसम। और गोबर उठ ले आए हैं इतनी दूर से, और दूध भी आ गया है तो अब बना रहे हैं चाय। जला दिया हमने, नहीं जला पाई जल्दी जल्दी में, जल चढ़ा तो फिर मंदिर चले गए। धूप बत्ती जला दिया, पूजा कर ली है। आज ते की भी लिपाई कर रहे हैं, धूप तो देखो कितनी तेज निकली, पोछा भी लगाने हैं। धनिया पत्ती कै दिन हो गए? सोमवार तीसरे दिन है आज, तो मेहमान ने कर ली है आज पूजा। और देखो कितना पानी बगरा दा है, भगवान को डुबो डुबो के सपरा दा, कितनी तेज धूप निकली है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट भी नहीं रह रही तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये साल की नवरात्रि ऐसे ही निकल गई है बिना लिपाई पुताई के। देखो आंगन तो बिल्कुल बरसात के जैसे लग रहे हैं, लिपाई पुताई हो ही नहीं पाई बारिश की वजह से। तो पोछा लग गया है हम, अब लिपाई करनी है हमारे। चल रही थी पूर्णिमा की तैयारी और लिपाई पुताई पहले से करने लगे थे कि तबीयत खराब हो जाती है जल्दी जल्दी तो आराम से कर लेंगे, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, तो बस इतनी ही लिपाई पुताई रह गई। कर पाई थी मैंने तो इतनी ही रह गई और आगे नहीं कर पाई, और थोड़ा सा जवा बीना था मैंने बस, और कुछ भी तैयारी नहीं करी की है मैंने। सब ऐसे का ऐसा छोड़ के और घर से चले गए। सुबह सुबह गोबर उठा कितना अच्छा लगने लगा गोबर से।
तो इतनी किचन की लिपाई कर ली है हमने और आंगन ने लीप लिया है। तीन चार दिन के बाद पूर्णिमा पे लीप है और अब लीप ले हैं तो फिर पानी गिर जाए। बादल तो बने ही रहते हैं हमेशा, लेकिन आज शाम को तो नहीं गिर हुआ है पानी। तो बस दो तीन जगह के लिए पोताई कर ली है, अब आंगन की रह गई है बस, तो पूर्णिमा तक करें हैं। सब में अच्छा लगने लगा से। की सबसे पहले करी थी, झाड़ू भी लगा ले ग्राउंड में। शाम को मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखा सुंदर सुंदर शाम के मौसम के साथ करते हैं वीडियो का एंड। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। मिले हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता। तो आज करने हैं इतनो सारो जवा साफ और ए में से निकालने हैं गेहूँ और इतने सारे जवा को का बनाने हैं आप लोग कमेंट करके बताइए का बना थे जवा को। और आज तो हम नहीं बना रहे, लेकिन आज नहीं बता रहे, लेकिन कल ज़रूर बताएं कि का बनाने हैं हमें जवा को। और अभी तो जो कम है और इससे और ज़्यादा साफ करने हैं, तो आज इतना कर हैं फिर कल फिर करें, कम से कम तीन दो तीन दिन लग गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि का बनाने हैं जवा को। देखो इतनी गेहूँ निकल यार, कर लिए हैं मैंने इतनी जवा सा और देखिए कितने दाने निकले हैं गेहूँ के। और जब हम ऐसे गेहूँ क्यों निकालना पड़ा ये तो कल बताएंगे, क्योंकि गेहूँ भी खाते हैं और जवा भी खाते हैं। फिर भी मैंने गेहूँ को अलग निकाला है और इसका बनाएंगे पोटला। पोटला नहीं, सांप काय खिलाने करे जवा, आज नहीं बताने का बनाने को। छुट्टी हो गई है और अभी आगे जाना, बस तैयारी चल रही है दवाई लेने और फिर बस निकलूँ। पूजा की तैयारी होने लगी और हमने अभी नहाओ तक नहीं है, लाइट भी आ गई। दोपहर के 3 बज गए और अब आए, अभी अभी आए हैं हम हॉस्पिटल से, तो वहाँ नहाने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो नहा नहीं पाया, तो अब नहाएंगे और पूजन भी हो रहा है। हेलो आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है
और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5 दिन के बाद। और 4:30 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं। तो आज बताएंगे फ्राइडे की काली रात 12 बजे क्या हुआ था हमारे साथ। और 12 बजे से बाहर रहना पड़ा मुझे। और कल आए हैं दोपहर में घर। तो ऐसा क्या हुआ था हमारे साथ जो 4-5 दिन के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। और वीडियो अभी मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरी बात करने की भी हिम्मत नहीं है ज़्यादा। जब से हमारी किडनी और लीवर ख़राब हुआ है तो जब से तबीयत खराब तो बनी ही रहती है, लेकिन अभी 1 महीने से खांसी चल रही थी तो कम ज़्यादा हो रही थी बीच में। तो शाम को अचानक खांसी बढ़ भी गई थी और उल्टियां भी हो गई 1-2। तो उसके बाद सोच रहे थे चलो आराम लग जाएगा, और डॉक्टर को भी बुला लिया घर पे। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसा लग रहा था तो अचानक से बीपी बढ़ गया हमारा। तो फिर यहाँ पे दवाई भी नहीं की थी, डॉक्टर ने बोला कि हॉस्पिटल ही ले चलेंगे। तो फिर बस रात के 12:30 बज गए थे तो हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ भर्ती किया, उसके बाद दवाई हुई। तो अब तो थोड़ा आराम है। 4 दिन तक वहीं रहे हॉस्पिटल में और 5वें दिन छुट्टी हुई। तो अब घर पे हैं लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है, हिम्मत सी तो बिल्कुल टूट ही गई है। और वहाँ पर मैंने वीडियो भी नहीं बनाए, थोड़े बहुत ऐसे ही 1-2 बनाए थे। और अभी भी मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छे से नहीं निकल रही है। और मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि वीडियो में बीमारी का कुछ नहीं बोलूँगी ना कुछ बताऊँगी, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना कोई सपोर्ट करता है तो क्यों बताऊँ बीमारी के बारे में। लेकिन बोलने को देरी नहीं हुई और अचानक से ऐसे बीमार हुई कि आज मुझे फिर से बताना पड़ रहा है कि क्या हो गया था। और ब्लॉग भी अब तो मुश्किल ही आएंगे अगर तो, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है और तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो बस ज़्यादा ध्यान मेरी तबीयत पे देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर और वीडियो बनाऊंगी तो फिर से मिलूंगी, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते अभी तो। तो बस मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता। सब अपना ख्याल रखिए।